वेद व्यास रचना रचि लेखक भये गणेश सात दीप लोखंड में तुए तीन लोक प्रवेश बसंती आले जुए के कपट के पासों से पांडवों का सब कुछ दुर्योधन ने छीन लिया और सुनो भाई प्रेम से 12 साल का देशोटा 13वां साल अज्ञातवास के लिए ये शर्त रखी गई कि हम आपका पता लगाएंगे, यदि कहीं पर आपका पता मिल गया तो आपको 12 साल का देशोटा दे दिया जाएगा। तो पांडव 12 साल वन के अंदर घूम घूम करके बिता देते हैं, 13वां साल अज्ञातवास का बिताने के लिए पांचों पांडव छठी रानी द्रौपदी के सहित विराट नगर में मत्स्य देश में राजा कमल नयन के यहाँ अपने अपने नाम और काम पलट करके गुजारा करने लग जाते हैं। इधर साल समाप्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है और जो जो साल समाप्ति की तरफ बढ़ता जाता है क्यों तो दुर्योधन को भी चिंता सताई जाती है। दुर्योधन अपने मामा सपनी से कहते, मामा 13वां साल बीतता जा रहा है और मेरी रात की नींद जा रही है और दिन की भूख विदा हो चुकी है। अरे नुबला भांजा क्या बात, नुबला बात क्या मामा, तुझे पता नहीं? नुबला भाई मुझे क्या पता? नुबला मामा ये 13वां साल है और ये साल सकुशल समाप्त हो गया तो फिर पांडव आते ही मेरे से आधा राज बटवाएंगे और जिस राजा का आधा राज जाता दिखाई दे रहा हो उस राजा को उससे बड़ी और चिंता क्या होगी। मामा 13वां साल एक एक दिन करके चला जा रहा है और ये साल चला गया तो फिर मैं करूंगा क्या? पांडवों को मामा जल्दी से जल्दी कहीं की तलाश करो। शकुनी कहता, भाई पांडव तो यूं जगह जगह दूत और सिपाही गुप्तचर नौकर भेजने से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो मामा पांडव कैसे मिलेंगे? नुबला भाई सबसे आसान रास्ता तो एक है, मेरी तो मानत हो। नुबला मामा वही तुम्हें पूछने के लिए आया हूं। नुबला देख, अर्जुन के लड़के अभिमन्यु के रिश्ते की बात थी, मिथिलापुरी के राजा खड्डूमन की भाई बसंती से हो रही है और वो रिश्ता केवल रिश्ता हुआ था, अभी कच्चा है। बात पक्की है पर रिश्ता कच्चा है, क्यों? वो मांग तो पांडवों ने अपना ली पर मांग जब ब्याह कोई और ले जा, अपनाई हुई मांग किसी की और ब्याह कोई और ले जा तो ये अपमान किसको भी सहन नहीं होता है। तो भाई मेरा तो विचार ये है, जगह जगह फिरने की बजाय तू अपने सिपाही भेज करके और राजा खड्डूमन के यहां संदेश भेज दे कि टीका लेकर के और हस्तिनापुर आ जाएंगे और तू तेरे लक्ष्मण का टीका ले ले। इस बात को जब सुनेंगे तो पांडव अपने आप प्रकट हो जाएंगे, क्यों? और अब मांग तो इजरा भी प्यारी लागे है, वो तो बलवान है, योद्धा है, सूरवीर है, भाई छुप करके नहीं रहेंगे। पांडव अपने आप और जल्दी से जल्दी जितना उसके जल्दी ये रिश्ता मंगवा ले और तेरे यहां तिलक पुजवा ले, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं। अब दुर्योधन के दिमाग में ये बात ठीक बैठ जाती, क्यों? विनाश काले विपरीत होते। रखता गे
बातों में बात घटे को ना। मूर्खता की घड़ी होती है, मूर्खता की जब घड़ी होती है ना, तो बात में बात बढ़ करके बतंगड़ बन जाता है। और कोई भी बड़े से बड़ा बमंडर, कोई भी बड़े से बड़ा उत्पात, कोई भी बड़े से बड़ा अपराध बात से शुरू होता है। देख लो कहीं भी नजर दौड़ा करके, और कवि को चाहिए समाज को कुछ काम में आने वाली सामग्री देता है, जिससे कोई उसकी एक बात को भी गुनगुना करके अपने हृदय में ले आए, तो उस बात पर एक दिन अमल तो हो के रहेगा। तो क्या बता कि मूर्खता की शातों में, जब मूर्खता की घड़ी होती है तो बात में बात बढ़ जाएगी, घटने का नाम मूर्खता की शातों में
होगी, किससे क्या घटता है और फिर वही होगी, क्या नहीं घट सकता। गाँव में आस पास में बहन भी होती है, बेटी भी होती है, चाची भी होती है, ताई भी होती है, पर हर रिश्ते को नजर देखने वाली होती है। नजर उस रिश्ते की नजर से देखेगी तो रिश्ता बना रहेगा, और नजर में जब विकार आ जाएगा तो रिश्ते को बदलते समय नहीं लग सकता। सच्चे प्रेमी कौन होते हैं? जैसे दीपक और पतंग का मेल होता है, प्रेम सच्चा है। या तो दीपक को बुझा दो, पतंगा चला जाएगा, और यदि दीपक जलता रहेगा तो पतंगा तक नहीं रह सकता। उसे दीपक के लोभ में समाना मंजूर है, परंतु अलग रहना मंजूर नहीं होता है, क्यों? सच्चा प्रेमी है। जैसे दूध और जल, अग्नि के ऊपर जब दूध रखा जाता है तो दूध उफड़ करके चलता है,
क्यों चलता है, कभी सोचा आपने क्यों चलता है, क्यों चलता है, हैं? जिंदगी से क्यों नहीं होता है? कान खाए थे अग्नि ऐसा दूध भाई थोड़ा सा इन्होंने हो जाए। दूध क्यों बनता है, दूध उठ करके क्यों चलता अग्नि की तरफ? दूध सोचता है अग्नि पर, मिठे आग्रह भाई मैं बोलता हूँ, जब ध्यान रखा करो ऋषि, जब दूध अग्नि पर रखा जाता है तो पहले जल जलता है, पानी जलता है अग्नि पर, दूध नहीं जलता है कभी भी। जब पानी जलेगा तो दूध जो सत्या करो भाई लो तो गए ना। मित्र का कष्ट मित्र सहन नहीं करता है। अब जल को जब कष्ट मिला, जल जल को जब कष्ट दिया तो दूध उठ के चार पड़े हो, दूध चल दिया, दूध चला कि मैं भी वही जाऊंगा जहां मेरा मित्र गया है, उठकर चल देता है दूध। उसी समय थोड़ा सा जल उठाओ दूध में डाल दो, उठे बैठ जाए। क्यों बैठता है, क्यों शांत होता है? कि जितना प्रेमी बिछड़ा था उतना पास आ गया, बस हो गया बराबर का जोड़ा। तो सबसे प्रेमी मर सकते हैं, मिट सकते हैं, कट सकते हैं, परंतु हट नहीं सकते। आज सबसे प्रेमी मर मिट जा लेकिन मुलाकात घट जाए। चढ़ गया था खुशी बताऊं
ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਜੰਦੀ ਮਹੀ ਪਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਿਆਦੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਕਾ ਥਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਊ ਕਹੀ ਕਾਲ ਨਾਲਾ ਵਾਸ ਵਾਸ ਖਾਸ जैसे मस्त हो मयूर नाचक ही बरसात सारा भरम में चूड़ा हाटा देकर मिठाई वो अंजाई बिलम के धर्म पर वो ज्यादा हर माता कुंडी बैठी अकेली समय अरने की बात ठीक बैठ जाती है और राजा खड्डूमन के ब्राह्मण नाई बुलवा लेता है और अपने लड़के लक्ष्मण का टिक्का पुजवा लेता है। टिक्का पुज लिया, गीत गवन लागे, मंगल चार गाए जा रहे, कहीं कोई जीमने वाले जीम रहे, कोई जिमा रहा, दुर्योधन माया लुटा रहा। सपनी ने बोला, अरे भाई बंदे भी एक छोटा सा काम करना से, मैं भी कोई काम के लिए कहीं जाऊंगा, मेरे को एक मिठाई का थान दे दे। नुबला मामा तेरा चूल्हा नुकता से बैठ के जी मिले और कुर्बान दिया। नुबला ने मैं खोल जी मुंह तो नुबला मन तो एक टोटका करना था, कोई मेरे को मिठाई का थान दे दे।
अब दुर्योधन ने मिठाई का थाल भर करके अपने मामा सपनी को दे दिया। सपनी मिठाई का थाल लेकर के विदुर के घर पर जाता है। विदुर के घर पर माता कुंती अकेली बैठी थी। जब पांडव देशोटे में गए थे तो विदुर जी के सुप्रत माता कुंती को और लड़के अभिमन्यु को करके गए थे। तो माता कुंती अकेली बैठी हुई थी विदुर के घर पर और कोई था ही नहीं। सपनी पहुंचा और जाकर के कहा, बहन राम राम। राम राम भाई, बहुत दिन में आया, कैसे आया, कहो क्या कोई समाचार है। नुबला बहन, समाचार क्या, ले पहले तू ये ले। वो मिठाई का थाल आगे किया, नुबले ये ले। कुंती कहती, भाई ये मिठाई किस बात की। नुबला बहन, तेरे को पता नहीं। नुबले भाई, मुझे तो कुछ पता नहीं। तू नुबला बावड़ी, मेरी बाढ़ थी वहां तो आख्या का पट्टी बांध के बैठ गई। अर किम कर्ण कराण जोगी तू थी, तनु का शब्द बेरा ही कुछ। नुबले भाई, मुझे तो कोई पता नहीं। तो नुबले ले, ये तो तेरी मिठाई है। अर थारा तुला नूत नुता भी से जिमड़वार का, भाई ये मिठाई और वो नुता किस बात का है, कम से कम बता तो सरी। तो सपनी मौका देख करके कुंती अकेली है, तो सपनी मिठाई का बहाना करता हुआ और ताना देता हुआ कुंती को क्या कह रहा था, किस प्रकार से कटे हुए पर नमक लगा रहा था और क्या कह रहा था।